हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेशमा। रेशु फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अंबाड़े की भाजी, अंबाड़े की भाजी का ठेचा, जो भी बिल्कुल नई तरीके से। तो इसके लिए हमने अंबाड़े की भाजी के पत्ते पत्ते से लिए हैं, और उसके साथ साथ लिए हमने मिर्ची बहुत सारी ली है, 20 से 25। उसके और हमने दो बड़े साइज़ का प्याज लिया, लंबे लंबे चॉप किया है, और लहसुन की कलियाँ 10 से 15। ये हम लहसुन और मिर्ची अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। तब तक हम अंबाड़े की भाजी को तवे पर भून लेंगे। इसे वॉश नहीं करना है भाजी को, ऐसे ही हम भून रहे। भाजी को अच्छे से भून लेने के बाद उसका देख सकते हो आप कलर कैसे चेंज हो रहा है। इसे हम भून कर लेने के बाद ही वॉश करेंगे। फाइनली हमारी भून कर भाजी बन गए, तो हम इसे वॉश कर लेंगे। इस भाजी में हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और जो भी हमने वॉश किया हुआ है पानी, एक्स्ट्रा बचा हुआ पानी उस सब्जी में, वो सब निकाल लेंगे। इसी तरह आप देख सकते हो हम ऐसे पानी निकाल रहे हैं। तो और हमने तवा गर्म के लिए रख दिया था, तो उसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल यूज़ किया है। उसके साथ साथ हमने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिए। प्याज को हम अच्छे से भून लेना है। प्याज को हमने लंबा लंबा स्लाइस में ही कट किया है, और हमने ग्राइंड किया हुआ मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जो एक बनाया बड़ा बड़ा वाला, ज़्यादा बारीक भी नहीं ग्राइंड करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। इसे हम ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। जो मिर्ची का जो कच्चापन है वो सब चला जाना चाहिए, इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हो हमने प्याज को भी ज़्यादा नहीं गोल्डन ब्राउन किया है, बस थोड़ा ही ऐसे भून लिया है। इसके बाद हम उसमें ऐड करने वाले हैं नमक, वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ यूज़ किया हमने 1 टेबल स्पून हल्दी। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर हमने फाइनली इसमें ऐड किया है सब्जी अंबाड़ा की, जो हमने वॉश करके रखी थी। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे, अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फिर हमने लिया है 1 बड़ा टेबल स्पून तोर की दाल, उसे अच्छे से वॉश करके हमने डायरेक्टली उसमें ऐड किया है। हमने पहले भिगोने के नहीं रखी थी, वॉश करके ऐसे ही ऐड किए। जो सब्जी जो है वो ठेचा, जो हम तोर की दाल ऐसे ही बनाकर खाएंगे, तो उसमें पूरी तरह गलनी नहीं चाहिए। और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट को धीमी आंच पर रख देंगे ढककर। फाइनली फिर हमारी ये मिर्ची का अंबाड़ी की भाजी का ठेचा बन जाएगा अच्छी तरह। आप एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।